हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में माता रानी का स्केच बनाया था वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो गाइस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले आपको 6B या 5B पेंसिल ले लेनी है और उससे आपको अच्छी तरीके से लाइनिंग बना लेनी है और फिर धीरे धीरे ब्लेंड कर देना है सॉफ्ट ब्रश से, क्योंकि सॉफ्ट ब्रश से शेडिंग अच्छी होती है गाइस। हार्ड ब्रश नहीं लेना चाहिए शेडिंग के लिए। और फिर हम चारकोल पेंसिल से ऐसे लाइन सी बना लेंगे और उसे ब्लेंड कर देंगे। उसी से हमें उस पाउडर को सॉफ्ट पाउडर से उसे नीचे की ओर ऊपर की ओर ब्लेंड करना अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देना है ताकि कहीं पे भी गैप ना रहे और ऐसे ख़राब सी नहीं दिखनी चाहिए हमारी ड्राइंग, अच्छी से दिखनी चाहिए। तो हम धीरे धीरे ब्लेंड कर देंगे और जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे हमें डार्क कर देना है ब्लेंडर से ताकि वो एकदम रियल दिखने लगे। और अब हम बाकी की शेडिंग करते हैं। आपको पेंसिल से वैसी ही लाइनिंग बना लेनी है जैसा कि हमने पहले वीडियो के अंदर बनाई थी और फिर उसे ब्रश से, सॉफ्ट ब्रश से उसे ब्लेंड कर देना है धीरे धीरे। मैंने तो वीडियो फास्ट किया हुआ है, आप धीरे धीरे ब्लेंड करें अच्छी तरीके से। जहाँ पे डार्कनेस दिखाई दे रहा है, जिस इसकी शेडो दिखाई दे रही है, वहाँ पर हमें डार्क पेंसिल से बना लेनी है, शेडिंग कर लेनी है डार्क पेंसिल से, फिर उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देना है ताकि वो एकदम पेपर के अंदर अच्छे से हो जाए शेडिंग। तो जहाँ पे लाइट एरिया है हमें वहाँ लाइट ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे लाइट होगा वहाँ लाइट ही रहेगा, जहाँ पे डार्क होगा वहाँ डार्क हो जाएगा। इसी तरीके से आप शेडिंग करते रहे धीरे 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 धीरे, और उसी तरह नीचे की ओर भी ऐसे ही शेडिंग कर लें जैसा हमने ऊपर किया था, वैसे ही हमें नीचे करना पड़ेगा। तो गाइस अब मैं ले रही हूँ टिश्यू पेपर, मैंने छोटा सा टिश्यू पेपर लिया उससे शेडिंग कर रही हूँ, क्योंकि बड़ा टिश्यू पेपर से ख़राबी हो सकती है, क्योंकि मेरा पोर्ट्रेट छोटा है गाइस, इसलिए मैं छोटा ही टिश्यू पेपर मैंने उसे फाड़ के छोटा कर लिया। और आप भी ऐसा कर सकते हो, अगर आपकी भी ड्राइंग छोटी हो तो आप भी छोटा पेपर इसे शेडिंग कर सकते हो। मेरी तो छोटी इसलिए मैं छोटे से कर रही हूँ। तो गाइस अब हमें पूरे हेड पे चारकोल पाउडर लगा लेना है और फिर हमें इरेजर से ऐसी डिज़ाइन बना लेनी है, फिर वाइट जेल पेन से हमें निशान कर देने हैं ताकि ये एकदम रियल दिखने लग जाए। तो गाइस आज के लिए इतना ही वीडियो, अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।